माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। जय हिंद, आप सभी को सतत नमन। दिस इज आवर इनक्रेडिबल इंडिया। ये वही भारत है जिसने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यह वही भारत है जिसने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। यह वही भारत है जिसने विश्व को गिनना सिखाया। ये वही भारत है जिसने विश्व को USB जैसा यंत्र दिया। सो पर्यावरण के वीडियो में हम लोग आज देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। क्या भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको हम लोग देखते हैं। अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। क्या भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक, अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? कोई भी ऐसा क्षेत्र जो क्या हो, सरकार द्वारा संरक्षित हो। क्या सरकार द्वारा संरक्षित हो, तथा यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। क्या यूनेस्को का एक प्रोग्राम है MAB करके, माइन एंड बायोस्फीयर करके। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व को क्या किया जाता है, कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दिया जाता है। ठीक है, तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? क्या 18 रिजर्व हैं। अब उनको हम देखते हैं। पहला जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा वो उसका नाम है शीत मरुस्थल। क्या शीत मरुस्थल? शीत मरुस्थल इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग 2009 में दिया गया। क्या 2009 में इसको दिया गया। ठीक, अब अगला जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा वो उत्तराखंड में मिलेगा, जिसका नाम है नंदा देवी। क्या नंदा देवी? नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व का टैग 1998 में मिलता है। क्या 1998 में मिलता है। अब आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा सिक्किम में। क्या सिक्किम में मिलेगा, और इसका नाम है कंचनजंगा। क्या कंचनजंगा? ठीक है, और इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग सन 2000 में मिलता है। क्या सन 2000 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिलता है। अब अरुणाचल, क्या ये अरुणाचल प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा दिहांग दिवांग करके। क्या दिहांग दिवांग करके? ठीक है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। इसका इसको जो बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दिया गया 1998 में। क्या 1998 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दिया गया। अब हम आते हैं क्या इस प्रदेश की तरफ, मेघालय। मेघालय में एक प्रदेश, मेघालय में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नोकरेक। क्या नोकरेक? क्या नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व? इसको जो बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिलता है 1988 में। क्या 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व का टैग इसको मिलता है। ठीक, असम। क्या ये तो मेघालय हो गया, ये क्षेत्र, क्या ये क्षेत्र मेघालय हो गया। अब असम का क्षेत्र है, असम में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है मानस। क्या मानस? मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको बायोस्फीयर रिजर्व का जो टैग है 1989 में दिया जाता है। क्या 1989 में? असम में एक बायोस्फीयर रिजर्व और है जिसका नाम है डिब्रू सोई खोवा। क्या डिब्रू सोई खोवा? सोई खोवा, ठीक, डिब्रू सोई खोवा, इसको भी जो क्या बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का टैग
1997 में दिया जाता है क्या, 1997 में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपको यहां पर एक क्षेत्र मिलेगा क्या, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरबन, क्या जो बायोस्फीयर रिजर्व है या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसका नाम सुंदरबन है। सुंदरबन को क्या दिया जाता है, जब टैग दिया जाता है, इस समय क्या है 1889, क्या 1889। और ये जो डिब्रू सोई खोवा है ये सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। अब आगे आते हैं, आपको यहाँ पर मिलेगा उड़ीसा, क्या उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है सिमलीपाल, क्या सिमलीपाल नाम है, सिमलीपाल। और इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिलता है 1994 में, क्या 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिलता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, सिमलीपाल के बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ मिलेगा, क्या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश दोनों में थोड़ा थोड़ा क्षेत्र है अचनक मार अमरकंटक करके, क्या जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है अचनक मार अमरकंटक, क्या अमरकंटक, ठीक है। अचनक मार अमरकंटक को कब मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व पटेल, सन 2005 में, क्या सन 2005 में, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व और है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है पन्ना, क्या पन्ना, यहाँ पन्ना लिख सकते हैं। ये जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या सबसे नया, यही क्वेश्चन आएगा, सबसे नया कौन है, सबसे पुराना कौन है, सबसे पुराना भी हम देखते हैं, सबसे नया कौन हो गया, पन्ना हो गया। मध्य प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व और है जिसका नाम है पंचमढ़ी, क्या पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसको कब मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व का टैग, 1999 में, क्या 1999 में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आपको आगे क्या मिलेगा, आप तमिलनाडु, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है सेसाचलम, क्या सेसाचलम, सेसाचलम, ठीक है, सेसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। इसको कब मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व कटा है, इसको मिलता है 2010 में, क्या 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिलता है। अगला आपका क्षेत्र है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या मन्नार की खाड़ी है, तो आप देख सकते हैं मन्नार की खाड़ी, क्या मन्नार की खाड़ी, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है। सबसे छोटा कौन था, डिब्रू सोईखोवा, और सबसे बड़ा ये, ठीक है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर अगस्ता मलाई करके, क्या अगस्ता मलाई करके, मन्नार की खाड़ी को कब मिला बायोस्फीयर रिजर्व का टैग, क्या मन्नार की खाड़ी जो है उसे बायोस्फीयर रिजर्व का टैग कब मिला, इसे सन 2010 में मिला, सन 2010 में मिला, ठीक है। सबसे बड़ा है ये मैंने बता दिया। अगस्ता मलाई केरल और तमिलनाडु दोनों में है, अगस्ता मलाई, ठीक है, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। नीलगिरी, क्या नीलगिरी यहाँ पर है, जो नीलगिरी पर तीन राज्य मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर, क्या कर्नाटक और केरल तमिलनाडु। तो नीलगिरी जो क्षेत्र है क्या वो भी बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व जिसको टैग मिला था वो नीलगिरी है, क्या 1986 में इसको मिलता है, क्या 1986 में, सबसे पुराना और सबसे नया ये दो क्वेश्चन आपको सीधे पूछे जा सकते हैं। और क्या
ये क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए कि सिमलीपाल कहाँ है, सिरसाचलम कहाँ है, अशनक मार कहाँ है, ये आपको क्या पूछे जा सकते हैं मिलान करने के लिए किस प्रदेश में। एक यहाँ पर है कच्छ का रण, क्या कच्छ का रण, ठीक है। अब लगभग क्या सारे आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, क्या सारे आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक है। एक और बस्ता है क्या, यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, क्या बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें भी एक बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, क्या बोलते हैं जिसको, ग्रेट निकोबार। तो इसको आप एक बार क्या एग्जाम देने से पहले देख लीजिए, आपको डेट केवल दो याद करना है, नीलगिरी सबसे पहला 1986, पन्ना सबसे सबसे पुराना इसको कह सकते हैं, सबसे नया इसको कह सकते हैं, और सबको सबका केवल आपको प्रदेश जानना है स्पेशली कि प्रदेश कहाँ पर ये क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।